माहे रमजान में शोहर की मोहब्बत के लिए सूरह यासीन का वजीफा बहुत मुजर्रब है। डिटेल के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बहनें घरेलू कशीदगी की वजह से परेशान हैं, घर में लड़ाई झगड़े की वजह से फिक्रमंद रहती हैं, और जिन बहनों के साथ शोहरों का रवैया ठीक नहीं है और बाहमी इख्तिलाफात रहते हैं, तो वो रमजानुल मुबारक में शोहर की मोहब्बत के लिए सूरह यासीन का ये वजीफा जरूर कर लें। इस वजीफा को करने के लिए रमजानुल मुबारक में जुमा के दिन बाद नमाज इशा 3 तस्बीह दुरूद इब्राहिमी और 313 मरतबा सूरह यासीन की आयत नंबर 82 की बहुत मोहब्बत से तलावत करें। ये वजीफा आपने 7 दिन तक जारी रखना है। इंशाल्लाह इस 7 दिन के वजीफा की बरकत से शोहर का दिल आपकी तरफ माइल हो जाएगा, आप लोगों के बाहमी इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे और घर में बेपनाह अमन और सुकून होगा। ये वजीफा बेहद आसान और मुजर्रब है और इसको करने के लिए किसी भी किस्म की रूहानी इजाजत शर्त नहीं। इसलिए आप रमजानुल मुबारक में शोहर की मोहब्बत के लिए ये वजीफा जरूर कर लें। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के सदका में आपकी सभी नेक दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।